आप देख रहे हैं वक्त इंडिया और मेरे साथ इस समय जुड़े हैं डोडा किश्तवाड़ रेंज के DYSP ट्रैफिक श्री पंकज सोदन जी। स्वागत है सर आपका वक्त इंडिया में। थैंक यू जी। सर COVID-19 चल रहा है, SOPs के गवर्नमेंट के तहत SOPs आई हुई है, लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखा जाए तो बहुत उल्लंघन हो रहा है, कभी ट्रैफिक में भी हो रहा है, जो मिनी बसेस हैं, सोमोज हैं, उनमें भी काफ़ी उल्लंघन हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए COVID-19 में हमें डायरेक्शंस हैं कि जो SOPs उसके मुताबिक जो हमारी अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग सीटिंग कैपेसिटी की गाड़ी हमें है कि किस गाड़ी में कितने बस सवार करेंगे। मैं गाड़ी वाइज आपको बता देता हूँ, तो छोटा हमारा ब्लैक कलर वाला ऑटो होता है, उस ऑटो में आप 2 पैसेंजर लेके चल सकते हैं। उसके बाद जितनी भी हमारी ऊबर वाली गाड़ी है, जैसे सुमो हो गया, हमारी टेम्पो है और मेटाडोर है, इन तीनों में आपको 50% पैसेंजर लेके चलना है, इंक्लूडिंग योर ड्राइवर एंड कंडक्टर, जितने भी लोग होंगे। अगर किसी को 16 पास है तो उसको 8 लेके चलना है, वो उससे ज़्यादा लेके चलेगा उस पर एक्शन होगा। जो बसेस का जहाँ तक सवाल है, तो बसेस को 67% पैसेंजर अलाउड है चलने के लिए। सर अगर देखा जाए तो जो मिनी बसेस हैं या सोमोज हैं उनमें SOPs के तहत 50% लगाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हमें देखने को मिलता है कि हमेशा ज़्यादा सवारियाँ होती हैं और ओवर चार्जिंग भी होती है, पैसेंजर भी पूरे बिठाए जाते हैं और ओवर चार्जिंग भी होती है, लेकिन उसके बारे में आपकी क्या ड्राइव रहेगी? देखिए पैसेंजर जहाँ तक पूरे बिठाने का सवाल है, जो एक्सेस है, ऐसा कुछ ही रूट्स पे हो सकता है, बाकी हर जगह पे हमारी जो बंदे अवेलेबल रहते हैं, हर जगह पे ऑफिसर चलानिंग कर रहे हैं। तो कुछ मेडो, जैसे हमें भरत रोड की कंप्लेन थी, तो भरत रोड पे हम बार बार, हमने एक पक्का नाका वहाँ पे लगा के रखा हुआ है, देसा रोड पे लगा के रखा है। मैं कल का इंस्टांस आपको बताता हूँ, कल मैं खुद भरत रोड पे था, तो एक मेटाडोर थी जिसमें 8 सवारियाँ एक्स्ट्रा थी, उसकी 50% से ज़्यादा, जो कैब एक DC साहब का, DC डोडा साहब हमारा, उनका एक आर्डर है कि 50% से ज़्यादा आपको नहीं लेके चलना है, तो उस गाड़ी को मैंने 8,000 रुपये फ़ाइन कर दिया। इसी तरह देसा रोड पे हमें एक गाड़ी मिली, उसमें 9 सवारियाँ एक्स्ट्रा थी, उसको हमने 9,000 फ़ाइन किया। एक टेम्पू था जिसको 12 सवारियाँ पास है, उसमें 13 थी, तो उसके खिलाफ मैंने FIR रजिस्टर करवा दी, कर ली। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट मंथ में हमने 10,00,000 रुपये फ़ाइन किया था इनको, जून में। अभी हमारी गाड़ियाँ कम चल रही हैं COVID-19 की वजह से। अभी जो इस महीने 18th, आज 18 दिन हुए हैं, तो मैंने इंडिविजुअली इनको 8,00,000 रुपये फ़ाइन किया है जो वायलेशंस कर रहे हैं। इसमें 20 गाड़ियों को सीज किया गया है और 3 के खिलाफ हमने FIR दी है। तो ये अपनी तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, जितने भी ऑफिसर हैं मेरे, जितने भी DTI है, SO है, सभी बरसक कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे कोई ओवरलोडिंग ना मिले। जहाँ भी कोई चांस मिलता है, मेरे ऑफिसर सुबह 6 बजे से शुरू हो जाते हैं, सुबह 6 बजे अपनी जगह आ जाते हैं रिपोर्टिंग पे, रात को 8-9 बजे तक रहते हैं, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ओवरलोडिंग, कोई ऐसी गलती ना हो। तो फिर भी अगर कोई मिलता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। सर अगर डोडा की बात की जाए तो हमेशा यहाँ पर पार्किंग का इशू रहा है, और आज भी हालांकि लॉकडाउन चल रहा है, कम गाड़ियाँ रोड्स पे मिलती हैं, लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलता है हर समय गाड़ियाँ रॉन्ग पार्किंग में होती है, बार बार अनाउंसमेंट किया जाता है लेकिन फिर भी रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी लगी होती है, कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या मुहिम चलाएंगे? देखिए रॉन्ग पार्किंग का जहाँ तक सवाल है, जब मैं नया नया आया था, मैंने देखा कि यहाँ पे रॉन्ग पार्किंग का काफ़ी इशू था, तो उसके बाद मैंने अपने ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके एक टो व्हीकल मंगवाया हमने, तो हम उस टो व्हीकल को टाइम टू टाइम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा सिटी में हमारी टो वैन जाती है, जो भी गाड़ी गलत लगी होती है हम उसको उठा लेते हैं। सिटी सड़क की दोनों साइडों में हमने लाइन लगवा के ड्रा करके रखी है, तो उस लाइन के अंदर आप गाड़ी लगाएं तो इशू नहीं है, बाहर जिसकी भी गाड़ी होती है हम उठा लेते हैं। और मेरी इसके साथ साथ सभी डोडा वासियों से, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हैं अलग अलग हमारे ऑफिस के और या शॉपकीपर भाई बहन भाई हैं, तो रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे पास प्राइवेट पार्किंग अवेलेबल है, वो प्राइवेट पार्किंग का मैक्सिमम यूज़ करें, ताकि हमारा डोडा सिटी जो है इसको नीट एंड क्लीन रखना हमारी हम सबकी जिम्मेवारी है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम प्राइवेट पार्किंग यूज़ करें और सड़क के बीच में गाड़ी नहीं लगाएं। अपनी एक सिविक सेंस होनी चाहिए, आप बताएं कि आप ही के बहन भाई या आप ही के लोगों को निकलना है वहाँ से, अगर सड़क बंद हो जाएगी तो प्रॉब्लम होती है। एक मुझे बेकी चौक की थोड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ गलत लगी रहती हैं, तो उस पर भी मैं स्ट्रिक्ट एक्शन कर रहा हूँ। और मेरी वहाँ के आसपास के जो दुकानदार भाई हैं, जो भी वहाँ पे रहने वाले हैं डोडा वासी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे मुझे कोऑपरेट करें, अदरवाइज मुझे मजबूर होकर मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा। सर दूसरा प्रॉब्लम ये रहा डोडा में कि माइनर्स हमें बहुत दिखते हैं रोड पे, 2-व्हीलर्स हो या 4-व्हीलर, 3-व्हीलर जो भी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे और उनके अगेंस्ट क्या वायलेशन जो करते हैं वो रूल्स के, उनके अगेंस्ट क्या कहेंगे? क्योंकि नए मोटर व्हीकल एक्ट्स के रूल्स भी आए हैं, जब स्टेट से UT जे एंड के आई, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए माइनर शाम के टाइम पे वी आवर्स में माइनर चलते हैं, तो उसको लेके मैंने अभी डायरेक्शंस दे दिए हैं कि शाम को लेट आवर पे ट्रैफिक के नाके लगेंगे, और ट्रैफिक पुलिस नाके लगा रही है, उन पर एक्शन हो रहा है। कुछ माइनर्स को हमने पकड़ा भी है, तो इसमें जो प्रावधान है न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वो बहुत सख्त है। उसमें माइनर को तो नहीं है, माइनर को तो हमें रिहैबिलिटेशन में करना है, बट वे जो पेरेंट उसके खिलाफ पेरेंट्स या गार्डियन जो भी है उसका, उसको 3 साल तक सजा है, 3 लाख रुपए फाइन है। अगर कोई भी माइनर पकड़ा जाता है, उसका चलान होता है, तो कोर्ट में उसको इतनी सजा मिलेगी। सर आपका आखिरी में मैसेज क्या रहेगा एक पब्लिक के लिए और उन लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो माइनर्स ज़्यादातर हमें दिखने को मिलते हैं रोड्स पे, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, स्टंट्स मारते हैं, ये सब काम करते हैं? देखिए मेरी सभी डोडावासियों से, सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे आपके जो माइनर हैं उनको आप गाड़ी जो चलाने के लिए, चाहे वो 2-व्हीलर हैं चाहे 4-व्हीलर हैं, अलाउ मत करें, रिस्ट्रिक्ट करें उनको स्ट्रिक्टली, जो आपके माइनर बच्चे हैं, जो आपके बच्चे हैं मेजर में आए, माइनर नहीं हैं, उनको भी बताएं अपनी गाड़ी ओवर स्पीडिंग में ना चलाएं, जो भी सेफ्टी गियर्स हैं हमारा, हेलमेट, क्रैश हेलमेट लगा के चलें, आप गाड़ी चलाते हैं सीट बेल्ट लगा के चलें। ये मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है। मेरी जितने भी ट्रांसपोर्ट यूनियन है हमारी, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स के हैं और ड्राइवर लोग हैं, उनसे मेरी है कि हमारे ड्राइवर, मैं ये कहता हूँ कि बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। इतनी है रोड, इतनी ख़राब होती हैं, इतनी ऊंचे नीचे पे है, जगह प्रॉब्लम है, हर जगह पे पहाड़ी इलाका है, पर वो अच्छे से गाड़ी चलाते हैं। बट उसके बावजूद हमारे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसका रीज़न ओवर स्पीडिंग है, ओवर लोडिंग है, कुछ ड्रंकन ड्राइविंग हो सकता है। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट रहेगी सभी से कि अभी COVID-19 के चलते हुए आपको जो भी डायरेक्शंस DC साहब की तरफ से मिली हुई हैं, कि अपनी जो मैसेज मैंने पहले बता दिया कि कितने परसेंट लोग आपको बिठाना है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, उतने ही सवारी बिठा के चलें और अपने आराम से चलें। जब ट्रैफिक पुलिस का कहीं नाका लग जाता है, तो मैं प्रैक्टिकली आपको बता सकता हूँ, जब मैं बैठा होता हूँ तो गाड़ियाँ चलना बंद हो जाती हैं और जितने भी हमारे लोग हैं ये पैदल चलना शुरू कर देते हैं। जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस का नाका होता है वहाँ तक ये पैदल आ जाते हैं, उसके आगे जाके फिर इनको गाड़ी में बैठा लेते हैं। तो उस समय में अगर गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी दौड़वाऊँ या अपने ऑफिसर को बोलूँ इस गाड़ी का पीछा करो, तो उसमें एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो मेरी सब लोगों से, खास करके जो इनके चेयरमैन हैं, जैसे हमारे BDC के नए चेयरमैन बने हैं, सरपंचीज हैं, पंचीज हैं, जो मौजूद शहरी हैं, रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम करने से अवॉइड करें। आप दूसरी गाड़ी का वेट करें, आपके पास पीछे गाड़ी होती है उसमें आ जाए, और ओवरलोडिंग अवॉइड करें जितनी आप। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। आप ड्राइवर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ी जो आप चलते हैं, अपनी जो आपको बताई गई है वो लिमिट लेके चलें, आपको ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं कहेगी। जब आप सीटिंग कैपेसिटी करेंगे, क्रॉस करेंगे, जब बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग करेंगे, तो आप पे एक्शन होगा, जैसे पीछे होता आया वैसे आगे भी होगा।